जो भी प्लेटफॉर्म जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से नीतू जी भी मुझसे पहले से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, तो यू नो ऑलवेज इट्स ऑलवेज अबाउट चेंज एंड वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्व्स, लाइफ इज अबाउट चेंज. तो जब OTT वीडियो सैटेलाइट ये सब चीजें आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पहले हम लोग फिल्मों में करते थे, डिजिटल कर रहे हैं, सो यू हैव टू अडैप्ट एंड एवरीबडी सर्वाइव्स, यू नो. तो OTT पे भी फिल्में चलेंगी, बॉक्स ऑफिस में भी चलेंगी, थिएटर्स में भी चलेंगी, टेलीविजन पे भी बहुत काम मिलेगा, और टेलीविजन से भी आप खुद बड़े स्टार बन सकते हैं. जैसे मनीष है, टेलीविजन पे इन्होंने अपना करियर शुरू किया, और यू नो आज भी उनको पूरे हिंदुस्तान में क्या जितनी भी लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उन्हें टेलीविजन से जानते हैं. हम लोग भी आज भी जब फिल्म हमें प्रमोट करनी पड़ती है तो हम टेलीविजन पर जाते हैं, क्योंकि टेलीविजन का रीच है बहुत ज़बरदस्त रीच है. तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेज हो गया, टेलीविजन हो गया, हर यू नो ये तरह तरह के हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो हमें तो काम करना है. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अच्छा काम करेंगे तो आपको काम मिलेगा, तो हमें तो काम करना है. और द मोर प्लेटफॉर्म द बेटर इट इज, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल. क्या कहावत है, आल्सो आई मीन आई फील यू नो इफ अ प्रोडक्ट इज गुड whether it's OTT or movies, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए, the product should be good. कहीं भी चले, चाहे OTT हो चाहे movies. कभी ये versus कुछ नहीं होता. Everybody you know survives and I'm so happy कि आज today OTT platform है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है, बहुत OTT से बहुत बड़े stars बने हैं, which is fantastic. You know कि जरूरी नहीं है कि आप theatrical film करके बहुत बड़े stars बन सकते हैं, आप OTT पे काम करके भी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं, दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े स्टार. तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म. यस, थैंक यू सो मच.